हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका अपना शिवा वर्मा और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2023 के होंडा सिटी, जो कि आप देख सकते हैं सामने। ये होंडा सिटी का भी मॉडल है और बात करें कलर के तो ये आपको प्लेटिनम वाइट पेयर कलर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कलर है और काफ़ी अच्छा ये मॉडल है। कहने की सौ बातें हैं, हमने देखे बेस मॉडल, लेकिन ये कुछ बेस मॉडल लगता नहीं है। बात करें आज पैसों की भी बात हल्की हल्की कर लेते हैं, तो 12,37,000 रुपये में आपको मिलती है होंडा सिटी का बी मॉडल, ठीक है। और जैसा कि होंडा पेट्रोल में अपनी कार दे रहा है, तो ये आईवी टेक वाला ही इंजन है। इंजन की बात बाद में करते हैं, कितना क्या है माइलेज की बात बाद में करते हैं, पहले आप कुछ सामने से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं क्रोम, और जो कि काफ़ी प्रीमियम कारों में ही मिलती है। होंडा की ये प्रीमियम कार है, इसलिए यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क मिलेगा। नीचे आपको लोगो मिलेगा, यहाँ पर आपको बम्पर के लिए ब्लैक फिनिश मिलेगी। और बात करें साइड से, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है चोंच, जो कि होंडा ने अपना एरोडायनामिक और नई डिज़ाइन के लिए निकाला हुआ है। ये होंडा है, होंडा सिटी का जो मॉडल है ये अपग्रेड वेरिएंट है। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाएंगी, बी मॉडल है इसलिए यहाँ पर ऐसी लाइट मिल जाती है। ऊपर आपको LED मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। साइड के लिए मिल जाएगा आपको इंडिकेटर। और अभी चलेंगे फॉग लैम्प की भी बात करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से दिखती है आपको यहाँ पर फॉग लैम्प, ठीक। बात करते हैं साइड के वॉकराउंड की, तो अभी आपको साइड से ही वॉकराउंड देंगे। और यहाँ पर पहले आप देखें, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वाइपर का भी सिस्टम दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपके पानी गिरेगा तो हल्के हल्के आपके वाइपर चालू हो जाएंगे, तो हल्के हल्के आपको मतलब साफ करने लगेगा। बात करें इसके डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस की बात करते हैं, उससे पहले बात करेंगे इसके टायर साइज की। चलो टायर साइज की बात पहले करते हैं, तो टायर साइज की बात करें तो आपको इस यहाँ पर मिल जाता है बेस मॉडल में आपका एलॉय व्हील विथ आपके यहाँ पर मिलती है फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स। और बात करें टायर साइज की, तो 185/60R15 का आपको एलॉय व्हील मिल जाता है इस कार में, और कुछ इस प्रकार से इस कार की आपको लेंथ मिल जाती है। चलो बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, डायमेंशंस की बात करें 4574 mm की आपको मिल जाती है लेंथ यहाँ पर, और ब्रीथ मिल जाती है 1748 mm की, और हाइट मिल जाती है 1489 mm की, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने सेगमेंट में मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और कुछ इस प्रकार से दिखती है कार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके ORVM, जो कि नीचे LED के साथ आते हैं। यहाँ पर इसके डोर, यहाँ पर सेंसर मिल जाता है आपको डोर ओपन करने के लिए, मतलब आपकी जेब में चाबी रखी रहेगी, आप बस बटन दबाओ और कार ओपन हो जाएगा आपका डोर, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से इसका डोर है। और सी पिलर पे अगर आप बात करें बी पिलर की, तो वो आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है, ठीक। और कुछ इस प्रकार से दिखती है कार। बात करें इसके बैक की, तो बैक से भी कुछ ये नया ही दिया गया है। बात करें उससे पहले, तो अभी जला लेते हैं इसकी लैंप। आपको मैं कुछ नई चीज़ दिखाना चाहूँगा, तो आप कहेंगे हाँ आपको कुछ दिखाया, देखो चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पूरा, यहाँ पर देखो ये छोटी छोटी लाइट है, और पूरा ये BMW की X5 सीरीज से ये मैच करती है इसकी लाइट, जो कि बैक लाइट है होंडा अपनी दे रही है। और IBTEC की बैजिंग भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये बैजिंग IBTEC इंजन, उससे पहले बात करें लाइट की, तो ये होंडा दे रहा है जो लैंप यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बैक लाइट, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपको इंडिकेटर। होंडा जो पीछे से पूरा मॉडल है ना, तो इसका लगता है पूरा मॉडल पीछे से BMW 5 सीरीज। यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाते हैं, नीचे आपको ब्लैक मिल जाता है थोड़ा बम्पर, यहाँ पर होंडा सिटी की बैजिंग, होंडा की बैजिंग मिल जाती है बीच में आपको, ये देखे। और यहाँ पर आपको रियर के लिए कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बैक लाइट, ब्रेक लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको डिफोगर मिल जाता है, ऊपर आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है, ठीक है सर। IBTEC की वहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ से भरेंगे अपना पेट्रोल, ठीक है। बात करें पेट्रोल की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है आपकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कम से कम बहुत मिल जाती है सर आपको, बहुत मिल जाती है, 40 लीटर की मिल जाती है आपको आपकी फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी अच्छी है इस कार के साथ, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रोफाइल दे रहा है ये कार। अभी अंदर चलने के भी बात करेंगे, पहले आप वॉकराउंड ले लो, जो कि काफ़ी ज़रूरी, चलते हैं थोड़ी देर में अंदर। उससे पहले बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है बाहर से आपकी कार। कर्व वेट की बात करें, कर लें, चलो अंदर चलते उसके बाद ही करेंगे। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको अपना प्रीमियम इंटीरियर। बात बंद कर रहे लैंप, और अब बात करें प्रीमियम इंटीरियर, तो ड्राइवर साइड डोर आपको कुछ इस प्रकार दिखता है,
ब्लैक एंड ब्राउन कलर का आपको मिल जाए, सॉफ्ट टच लेदर के साथ मिल जाता है आपको, और ये मिल जाती है इसकी कुछ की। अभी बंद करके आपको एक दिखाते हैं, यहाँ पर हम ये मिरर बंद होंगे कि नहीं होंगे। कैजुअली ऐसा होता है कि बंद करते हैं कार, लॉक करते हैं तो ये अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, और अनलॉक करते हैं अपने आप खुल जाते हैं। डिक्की की बात करें तो डिक्की देखिए, बटन दबाया अपने आप खुल गई, लेकिन बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, और चलते हैं अंदर, चलें, चलो सर अंदर चलते हैं। उससे पहले देख लो, लॉक कर, लॉक किया, नहीं बंद हुआ। अब मैंने बंद किया अपनी चाबी, अब देखो बंद किया, दबाया और ये कार अपने आप खुल गई। तो ये फीचर है जो बटन वाला है, जो आपको कीलेस एंट्री जिसे बोलते हैं। बात करें एंट्री तो इस प्रकार के दिखता है आपको, बीच कलर में, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश, यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो में मिल जाता है आपके ड्राइवर वाले कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाते हैं लोकल लॉक का कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपके थोड़े आगे ORVM के कंट्रोल। यहाँ पे आपका ऊपर मिल जाता है ये देखिए लोकल लॉक, जो कि क्रोम में दिया गया है ब्लैक फिनिश के साथ। नीचे आपके पास होल्डर, यहाँ पर आपके स्पीकर के इंस्टॉलिंग, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाता है आपका इंटीरियर। ठीक, और अभी चलेंगे कार के अंदर, तो उससे बात करें सीट की, जो कि काफी स्पेस है, और ये लेदर रैप सीट मिल जाती है आपको, जो कि बीच कलर में है। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि फिटेड नहीं आते हैं, यहाँ पर आपको मैनुअली मिल जाता है आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, और अभी चलते कार के अंदर, तो रखते हैं यहाँ पर की, और यहाँ पर ये आपको कुछ स्टार्ट स्टॉप बटन वाला सिस्टम मिल जाएगा, बंद कर डोर, और ये देखिए कुछ आपको इस प्रकार का मिल जाता है ब्लैक एंड बीच कलर में आपका इंटीरियर होंडा सिटी का, जो कि काफी प्रीमियम है। ये देखो करते हैं कार को स्टार्ट, और ये देखो पूरी सुई मतलब लास्ट तक जाएगी, देखो ना, अभी देखना देखना, अभी करेंगे स्टार्ट तब देखना। उससे पहले ये देखो क्लिच दबाया, और तो देखना जी, देखो गई लास्ट तक जाती है इसकी पूरी सही है। पर आपको मिल जाता है गियर बॉक्स जो कि 6 स्पीड का है, वो उसकी बात बाद में करेंगे। ये कुछ आपको दिखता है आपका एक टैगोमीटर और स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको छोटी सी 4 इंच की आपको MID मिल जाती है। ठीक है, ये आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑल चीजें बताएगी। ठीक है, ये देखो RPM बढ़ाया, 3000 बूम बूम की आवाज भी आएगी, पर मैंने वो काटी है। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस प्रकार का आपको स्पीडोमीटर दिख जाता है। ठीक, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको फ्यूल के लिए बताएगा फ्यूल कितना है कितना नहीं है, यहाँ पर आपको बताएगा किलोमीटर, बताएगा कितने टाइम हो रहा है। ये आपको कुछ स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि लेदर रैप है, ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों होता है, ये देखो आगे पीछे हुआ दोनों होता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोप। ठीक, और यहाँ पर आपको मिल जाते वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लाइट के कंट्रोल, और आपने गौर नहीं किया होगा आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आपका लाइट जलती है उसमें भी। और यहाँ पर देखो ये कुछ स्टेयरिंग, यहाँ पे मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग मिल जाती है आपको, क्रूज कंट्रोल, ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, कीप असिस्ट, लाइन असिस्ट, एडास के साथ थोड़ा बहुत मिल जाता है इसमें भी, और यहाँ पर मिल जाते हैं ये सारे कंट्रोल्स। और ये देखो यहाँ पर आपको कुछ लग रहा भी होगा, जी देखो आ रहा है, मैं बटन दबा रहा हूँ अभी आ रहा है, ये देखो आ रहा है लाइन लाइन कीप असिस्ट, और ये देखो, ये देखो आ रहा है। और यहाँ पर मिल जाता है आपका वही वॉल्यूम वाले कंट्रोल्स, यहाँ पर ये देखो कैंसिल कर दिया आपका, कैंसिल हो गया, यहाँ पर लाइन का असिस्ट। ठीक, और कुछ इस प्रकार से दिखता है सिल्वर फिनिश के साथ स्टेयरिंग, यहाँ पर आपको मिल जाता है मल्टी फंक्शनल इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन और चैनल बदलने के कंट्रोल्स, और ये कुछ इस प्रकार का इसका स्टेयरिंग, ये देखो काफी लाइट है, मतलब हुंडई ने काफी लाइट बनाया है इसका स्टेयरिंग। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपका ट्रैक्शन ऑफ, और वहाँ पर फॉग लैंप के कंट्रोल्स। ठीक है, और ये देखो कुछ इस प्रकार से इसका स्टेयरिंग, यहाँ पर आपको ये देखो कॉल अनलॉक वॉइस के लिए, यहाँ पर आपको चैनल चेंज करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, और यहाँ पर आपको इन्फोटेनमेंट के सिस्टम मिल जाते हैं सर, इन्फोटेनमेंट के सिस्टम, सारे इन्फोटेनमेंट के सिस्टम। बात करें इसकी स्क्रीन की, तो 8 इंच की आपको मिल जाती है, यहाँ पर मल्टी फंक्शनल स्क्रीन, टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि आपको 4 स्पीकर के साथ आती है। यहाँ पर ये रेडियो यहाँ पर आ रहा है। बात करें AC की, अभी करते हैं उससे पहले, उससे पहले कैमरा की बात कर रहे हैं, मैं कैमरा तो भूल गया था। देखो यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर 3 लाइन में आपको कैमरा मिलता है, ये देखो ये देखो ये देखो, पहला किया नीचे का आया, दूसरा किया तीसरा किया, ऐसे ही आता है आपके कैमरा, मतलब आप 3 डायमेंशन में कैमरा घुमा सकते हैं। AC की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा इस कार में, यहाँ पर आपको मिल जाएगी कुछ स्पेस, यहाँ पर आपका वाटर होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाता है गियर जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और स्पेस के यहाँ पर कुछ आपको स्पेस मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपके यहाँ पर आपको सी पोर्ट के कंट्रोल मिल जाते हैं पावर के, 12 वोल्ट के चार्जर के, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ये देखिए, यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, ये देखिए यहाँ से आप अपना ऑक्स लगा सकते हैं इसमें, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 12 वोल्ट के चार्जर के सॉकेट के लिए। ठीक है,
मतलब अगर आप इस 12 वोल्ट का चार्जर ना हो तो आप इससे कर सकते हैं। ये कुछ इसकी स्क्रीन है जो कि लैग तो नहीं दे रही है, मैं ये भी नहीं कहूँगा ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर बात करें इसके ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, आपको ग्लव बॉक्स यहाँ पर आप पेपर रख सकते हैं अपना, ठीक है ये देखो। और ये कुछ इसका ORBM है ठीक है, जो कि बीच वाला है। यहाँ पर आपको मिरर मिल रहा है भैया टिकट होल्डर की जगह, होंडा आपको मिरर दे रही है जो काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर आपको मिल जाता है मिरर ठीक, यहाँ पर आपको मिल जाती है लाइट्स, यहाँ पर स्पीकर के लिए ऊपर इंस्टॉलिंग के लिए दिया गया है, यहाँ से आप अपना बात कर सकते हैं। और इसका जो मिरर है ना वो आपको ऑटोमेटिक मिलता है। बात करें गियरबॉक्स की, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन साथ आता है, साइड में कुछ आपको बीच कलर में आपको यहाँ पर मिल जाती है, और कुछ इस प्रकार से इसका इंटीरियर है ये देखो, ब्लैक कलर में ब्लैक है, और नीचे पियानो ब्लैक फिनिश है ये देखो, और नीचे आपको बेज कलर का मिल जाता है जो कि सॉफ्ट टच के साथ है। यहाँ पर कुछ स्पेस है, एंड ब्रेक में क्रोम है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जो कि किस इस प्रकार का है ठीक है।